चलिए दीपावली का मौसम है, जन सैलाब आप देखें, विशेषकर बंधु देखें जो आ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत भयंकर भीड़, लगभग 50 लाख लोगों के आने का अनुमान। प्रशासन की सारी तैयारियां पूर्ण, आप देख सकते हैं भीड़ को, बहुत भयंकर भीड़, कोरोना के बाद पहले इतनी बार भीड़ यहाँ पर हुई है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, सीतापुर से ही प्रशासन ने दो पहिया वाहनों को रोक दिया है, चार पहिया को बेड़ी पुल के पास रोक दिया है ताकि श्रद्धालुओं को पर्याप्त दिक्कत हो सके। श्रद्धालुओं को दिक्कतों बढ़ाते हुए प्रशासन पूरी तरह से, पार्किंग की कोई व्यवस्था काबतगिर के पास नहीं है, हर श्रद्धालु को कम से कम 2-4 किलोमीटर पैदल तो चलना ही पड़ेगा। काबतगिर भय राम प्रसादा अवलोकत अफरत विषादा, ये छोटा भक्त देख सकते हैं आप किस प्रकार से, बहुत ज़्यादा भीड़। अद्भुत अकल्पनीय भीड़ यहाँ पर, बहुत सारे दीपिका की चलती है महाराज जी के पास, ये पार्वत जहाँ पर लोगों ने दीपक ऊपर चक्र जलाने का निश्चय किया है, निश्चित तौर पर प्रयास करते हुए यहाँ से जाते हुए ये श्रद्धालु हैं जो ऊपर जाएंगे पर्वत पर दीपदान करेंगे। इस चित्रकूट के पावन पवित्र क्षेत्र पर दीपदान का अपना बहुत बड़ा महत्व, सभी श्रद्धालु परिक्रमा पर अग्रसर होते हुए। मेला प्रशासन को चाहिए कि और अभी व्यवस्थाएं ठीक करें, मेला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, आप देख सकते हैं ये रावण का वंश लगता है, दीपक जलाने से मना करता हुआ यहाँ पर, तो कोई समस्या इसको होनी नहीं चाहिए। चित्रकूट के पावन पवित्र पर ये रावण का वंश ही है जहाँ तक है, जो दीपक जलाने से मना करता हुआ, पर्याप्त भीड़ मेला में, लगभग 50 लाख श्रद्धालु अब तक आ चुके हैं, ऐसे प्रशासन का मानना है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को परेशान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है, केवल वाहनों को रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय है। ये श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए, लगभग हर अवसर के यहाँ भीड़ होती है, लेकिन प्रथम मुखार बिंद में भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए अभी तक प्रशासन के पास इसका कोई रोड मैप नहीं है कि इस प्रथम मुखार बिंद को इधर से कुछ लोग परिक्रमा जो कहीं और अन्य जगह से परिक्रमा शुरू करते हैं वो जा करके वो भी वही इकट्ठे होते हैं और जो आने वाले वो भी इकट्ठे होते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन वहाँ पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। ये देखे श्रद्धालु ऊपर जाते हुए, ये सब दीपदान करते हुए, मेला प्रशासन को रोकने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, सभी श्रद्धालु ऊपर जाते हुए, ये देखे पर्वत को ऊपर जाके दीपदान करेंगे ऐसे श्रद्धालु आते हुए, सभी श्रद्धालु जो तीन मुखार दिन के थोड़ा पहले बहुत है भयंकर भीड़ आप देख सकते हैं, रात का नजारा, लगभग दो बजे हैं 23 तारीख की रात, अब 24 तारीख शुरू हो चुकी है, अमावस्या तो अभी नहीं है लेकिन चतुर्दशी में लोग परिक्रमा लगाते हुए, देखिए बहुत अच्छा नज़ारा पर्वत का, काम अधिकिर भय राम प्रसादा अवलोकत अफरत विषादा,
धोती बुखार के ठीक पहले आप आस्था के जनसेल आप देख सकते हैं, श्रद्धालु ऊपर जाते हुए पर्वत पर दीजा जाकर दीपदान करते हुए दीपावली की पूर्व रात्रि पर ऐसा नज़ारा। ये कोरोना संकट के बाद पहली बार की भयंकर भीड़ हो रही है। मेला प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त, बहुत सारे भक्त कहते हुए सुने गए हैं कि प्रशासन के पास कोई रोड मैप नहीं है कि यहाँ पर प्रथम मुखार बिंदु पास भीड़ को नियंत्रित करें। जो जा रहे हैं वो भीड़, बाकी आने वाली भीड़ भी सम्मिलित होती है। प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये मिला हुआ चित्रकूट स्थान, जहाँ पर बहुत भयंकर भीड़ होती है।